सो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ व्हाइल। एक्चुअली ये व्हाइल होता क्या? व्हाइल का यूज यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, देख जैसे हम बात करते हैं कि वो नाश्ते नाश्ते गिर गया, मतलब एक काम करते करते उसके साथ दूसरी एक्टिविटी हैपन हो गई, या वो एक काम करते करते कोई दूसरा काम कर रहा था। सो जैसे हम कहें कि वह नाश्ते नाश्ते खा रहा था, एक काम कर रहा था, वो काम तो कर ही रहा था और उस काम के साथ वह दूसरा काम भी कर रहा था। सो चलिए हम इसे एक सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम चलिए देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और अदर वर्ड यूज करने के बाद हम व्हाइल यूज करते हैं। और जब व्हाइल यूज करेंगे तो उसके बाद हमेशा वी वन आएगा, और वी वन के साथ हम आई एन जी यूज करेंगे। सो जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, मैं नाश्ते नाश्ते गिर गया। सो मैं नाश्ते नाश्ते गिर गया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आई रखा है जो कि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद हमने वी टू लगाया। अगर हमने वी टू ना लगाया होता सो यहाँ पे डिड के साथ हम वी वन लगाते। सो हमने यहाँ पे वी टू लगाया और यहाँ पे सेंटेंस क्या था, आई फेल डाउन, और उसके बाद हमने वाइल लगा दिया। और वाइल के बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम आई एन जी यूज करते हैं, सो आई फेल डाउन वाइल डांसिंग। सो आपको भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं और सेंटेंसेस को कोई प्रैक्टिस करनी है। कम से कम आपको ये वीडियो देखने के बाद कम से कम 10 सेंटेंस तो बनाने ही चाहिए।